हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोई मंदिर के बारे में जानकारी नहीं देने वाली हूँ, बल्कि मैं आप सभी लोगों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ इस्कॉन टेंपल, जिसे हरे रामा हरे कृष्णा टेंपल भी कहा जाता है। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए इस सफर पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मुंबई के सबअर्बन का वसई स्टेशन है। यहाँ से जो है हम लोकल ट्रेन लेंगे अंधेरी के लिए। तो अगर आपको अंधेरी के लिए लोकल ट्रेन लेना है तो आपको चर्च गेट लोकल लेना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोकल है, ये विरार की तरफ जा रही है और ये चर्च गेट से होके आई है। आज संडे है तो भी काफ़ी रश है ट्रेन में, जैसा कि आप देख रहे हैं। मुंबई की पब्लिक जो है वो कभी आराम नहीं करती है, हमेशा व्यस्त ही रहती है। मैं एक नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ ताकि मैं उसमें आराम से बैठ के जाऊं। मैं क्राउड को अवॉइड करना चाह रही हूं, पर शायद मेरे नसीब ने मेरा साथ नहीं दिया है। एक नंबर से जो ट्रेन आने वाली थी चर्च गेट की, वो कैंसिल हो गई है। तो अब मुझे वापस से 3 नंबर पे जाना होगा। तो आइए मेरे साथ और चलिए 3 नंबर से चर्च गेट लोकल पकड़ने के लिए। ये वसई स्टेशन का नज़ारा है, थोड़ा कैप्चर करने का कोशिश कर रही हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बारिश की वजह से शायद लेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और देख रहे हैं आप मेरे साथ कितने सारे जो हैं यहाँ पे मुसाफिर हैं जिनको जाना था, पर ट्रेन कैंसिल होने की वजह से अब सब शायद 3 नंबर से जाएंगे। ये 3 नंबर है। और फ्रेंड्स, ये जो आप ट्रेन आते हुए देख रहे हैं, ये एसी लोकल है। ये अभी न्यूली आई है मुंबई में। ये पूरी जो लोकल है वो एसी कोच है और ये हमारी लोकल है। सेकंड क्लास में मैं ट्रैवल कर रही हूँ। रश आप देख सकते हो, काफ़ी लोग हैं संडे को घूमने के लिए मुंबई की। ऑलमोस्ट 80% क्राउड बाहर निकलती है। देखिए, सब धक्का मुक्की करके जा रहे हैं। मैं जितना रिकॉर्ड कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ जी, देखिए काफ़ी क्राउड है फ्रेंड्स। इवन संडे को भी काफ़ी क्राउडेड लग रहा है मुझे। मैं बस होप कर रही हूँ कि मेरा स्टेशन जल्दी से आ जाए और मैं उतर जाऊँ। देखिए, ये जो है ये जेंट्स कंपार्टमेंट है, पर मुंबई में जेंट्स कंपार्टमेंट में लेडीज़ जा सकती है, पर लेडीज़ कंपार्टमेंट में जेंट्स नहीं जा सकते हैं। उनको पेनल्टी जो है वो देनी पड़ती है। और हम पहुंच गए अंधेरी स्टेशन। काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद स्टेशन पे भी काफ़ी अच्छी भीड़ है। अंधेरी वन ऑफ द क्राउडेड स्टेशन कहा जाता है वेस्टर्न लाइन में। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑफिसेज मिलेंगे, बहुत सारी ऑफिसेज हैं। हमें जो है यहाँ से जुहू का सफ़र तय करना है अंधेरी स्टेशन पे हमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वो इस्कॉन टेंपल है। मैं आपको अभी बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ और ये अंदर का दृश्य है जी। काफ़ी बड़ा मंदिर है, वन ऑफ द मोस्ट बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड मंदिर है मुंबई का। काफ़ी लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। ये बाहर का नज़ारा है, हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे। पूरा मंदिर जो है वो मार्बल से बना हुआ है फ्रेंड्स। पूरा मंदिर बहुत बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये देखिए, ये कुछ झांकियां ऐसे रखी गई हैं ताकि लोग आए तो उनको कृष्ण जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पता पड़ सके। कितना दिव्य मंदिर है देखिए, बहुत बहुत बड़ा मंदिर, बहुत दिव्य मंदिर। मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। ये बीच में एक बहुत ही बड़ा झूमर लगा हुआ था
और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं हमारे श्री कृष्ण, राधे कृष्ण जी। ये पुजारी जी पूजा करने जा रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि फोटो जब लेते हैं इस वजह से भगवान की मूर्तियों के पास इतना लाइट होता है ताकि उनकी स्पष्ट फोटो ना आ सके। वो नहीं चाहते कि आपके कैमरे में उनकी एग्जैक्ट फोटो आए, इसके लिए ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा लाइटिंग होती है मूर्तियों पे। देखिए कितने सारे श्रद्धालु आए हैं, कितनी भीड़ है। देखिए संडे को सोचिए फ्रेंड्स, जब आदमी आराम कर रहा हो पर इतने श्रद्धालु, इतने कृष्ण भक्त अपने कृष्णा से मिलने आए हैं, काफ़ी बड़ा झूमर। सब बैठ के भजन कीर्तन, आपको लगेगा ही नहीं कि मुंबई इतनी व्यस्त है। सबको काम रहता है मुंबई में, सबको काम रहता है, बट अपने कान्हा के पास, अपने कृष्ण के पास लोग अपने बिजी शेड्यूल में से भी थोड़ा वक्त निकाल के आके भजन कीर्तन करना पसंद करते हैं, सबकी सुनते हैं मेरे को। काफ़ी दिव्य मंदिर है। देखिए मैं ज़्यादा पास से नहीं ले पा रही क्योंकि मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने ऑलमोस्ट 2 बार चेतावनी दी है और बोला है 3री बार अगर मेरा मोबाइल उनको दिखा तो वो जब्त कर रही हूँ। तो भी मैं जो है बाहर से ये व्यूज़ ले रही हूँ। ये देखिए काफ़ी बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं। आपको घर बैठे बैठे जो हैं कान्हा जी के दर्शन हो रहे हैं जी। देखिए बाहर भी पब्लिक बैठी है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि दर्शन करके पब्लिक चली जाती है, नहीं, दर्शन करने के बाद पब्लिक घंटों घंटों अपने भगवान से बातें करते हैं, उन्हें अपनी तकलीफें बताते हैं, उन्हें अपनी खुशियां शेयर करते हैं। सब देखिए सब यहाँ पे ऐसे पड़े हैं जिनको लगता है कि किसी को कुछ काम नहीं है, और देखा जाए तो सब अपने में ही बहुत बिजी होंगे अभी। कितना दिव्य, ये देखिए उम्र का कुछ अंदाज़ा नहीं है, तकाजा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके यंग पीपल, यूथ, मिडल एज, ओल्ड एज, सबका स्वागत रहता है। ये देखिए ये झांकियाँ, ये कुछ दृश्य जानबूझ के यहाँ पे रखे गए ताकि आपको कृष्ण जी के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो सके, आप अपने बच्चों को बता सकें कि कृष्ण जी का क्या वास्तविकता क्या रही है, वो कैसे थे, उन्होंने क्या क्या लीलाएँ की हैं, उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया है। आज के समय में बहुत आवश्यक है दोस्तों कि सारे बच्चों को पता हो। ये देखिए पूरा मंदिर जो है वो भरा हुआ है जी, सब भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। अब मैं दोस्तों थोड़ी देर आपको भजन सुनने के लिए छोड़ रही हूँ, आप भी भजन का आनंद लें, घर बैठे बैठे लाइव भजन सुने। मैं आपसे थोड़ी देर में Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
भजन का जो है वो भरपूर आनंद लिया होगा। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मैं भी मंदिर से निकल ही रही हूँ। मुझे भी यहाँ आके बहुत शांति प्राप्त हुई है, मुझे कान्हा जी के दर्शन हुए हैं। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो आप लोगों के माध्यम से मुझे मंदिर मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही मेरी तरफ से। आशा करती हूँ आपको जो है मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। मेरे साथ आप लोगों ने ये जो भी सफ़र किया है उसमें आपको भी आनंद मिला होगा, भगवान जी के दर्शन आपने भी किए होंगे। कान्हा जी आप सब पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें दोस्तों। और ये जाते जाते मैं आपको जो है कुछ टर्टल्स दिखा देती हूँ, कछुए। ये पास ही में तालाब में थे तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। ये तालाब में भी लोग जो है वो सिक्के फेंकते हैं, मुझे नहीं समझा कि क्यों सिक्के फेंके जाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाया है। और जाते जाते बस इतना ही कहूँगी, कर्म अच्छे करते रहें, धर्म की राह पर चलते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।